subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update.
Everything is okay, sir. Fine. Sir, Coimbatore ki flight kal subah 9 baje jayegi. Can you get me a chair? Sir. Mujhe ek kursi de sakte ho? Sir. I am not going to leave the body here. Sir, aapke raat bhar yahan rukne ke liye permission. Get me the permission. Sir. Now you need recommendation. Will your father do that? देखता हूँ सर, पर जानता हूँ जवाब होगा बैग नो. Yes. लोकनाथ शर्मा के बेटे हो. सिफारिश या रिश्वत के सहारे नौकरी नहीं ले सकते. ये लो, गरम चाय. थैंक्स पापा. पापा मैंने कितनी बार बताया लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है. आपने पिछले 30 सालों तक जिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है वो और ये घर ही आपकी दुनिया बनकर रह गए हैं. पापा, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. पापा, या या, वी नो नथिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. अरे हर बेटा अपनी उम्र में ऐसे ही सोचता है. हम भी जब आपकी उम्र के थे ऐसे ही सोचा करते थे. चाय पियो. पापा, आपके एक फोन कॉल करने से मेरा काम बन जाएगा. मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते आप. मेरे बेटे हो इसलिए नहीं करूंगा. मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है. अच्छा नाम कमाओगे तुम. इस तरह नहीं जैसे तुम रोज लोगों को मारपीट करके कमा रहे हो. आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. पर जानते हैं पापा, आजकल के सिचुएशन को देखते हुए अब तो आई एम टायर्ड पापा. नो, नेवर यूज द वर्ड टायर्ड इन योर लाइफ. मौका ढूंढना पड़ता है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए. अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा. क्या हमारी बात का बुरा लगा आपको? नो पापा, नेवर. बट यू नो व्हाट पापा, आई वंडर समटाइम्स. मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ तो आप शाबाशी देने में कंजूसी करते हैं, और जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो उतनी ही ज्यादा निंदा भी करते हैं. हाँ बेटा, ये बात तो सही है कि जब भी तुमने कोई अच्छा काम किया हमने उसकी तारीफ नहीं की, और उसकी वजह यह है कि मुझे विश्वास है कि तुम और बेहतर काम कर सकते हो. लेकिन साथ साथ मुझे यह भी डर रहता है कि कहीं तुम्हें नजर न लग जाए तुम्हें हमारी. देखो बेटा, अब तक तो लोग तुम्हें लोकनाथ शर्मा के बेटे के नाम से जानते हैं. मुझे तो उस दिन का इंतजार है. लोग मुझे देखकर कहें कि ये है सूर्य के पिता. टायर्ड शब्द, ये थकान शब्द जो है ये बुजुर्गों की जबान पे होता है, तुम्हारे जैसे लोगों की जबान पे नहीं होना चाहिए. अब तुम्हें चुनना होगा, वीर की जिंदगी या कायर की मौत. फैसला तुम्हारा. You're right, Papa. I'm so sorry. I'll never hurt you again. No, I'm just saying. आ गया. आ गया. जाना होगा बाप को. Papa, this is new generation. Okay. You are an old man now. आप ये सब नहीं समझेंगे. हाँ. हम कैसे समझेंगे? हम तो अभी कल ही पैदा हुए थे ना. जाइए, जाइए. हाँ, पहुँचाओ ना. अरे सुनिए, ये थोड़े पैसे रख लीजिए, आपका बटुआ खाली है. पापा, आपने मेरा पर्स चेक किया था? हाँ, लेकिन उसके अंदर जो फोटो है वो मैंने नहीं देखा. और टंकी में पेट्रोल भरवा लीजिएगा, वो भी खाली है. पापा, पापा, आज भी आपने बाइक को धोया? हाँ, तो क्या हुआ? अरे थोड़ी बहुत ड्राइविंग तो करनी पड़ती है, वरना आप मुझे बुढ़ा कहते रहेंगे. ओ पापा, यू आर द बेस्ट. आई एम सो इनकम्प्लीट विदाउट यू.
मस्का मत लगाओ, जाओ और मुसीबत से दूर रहना। ओके ओके पापा, नो मार पीट, बाय बाय बाय। तेरे को बुड्ढा बोल के गया, am I old? No, you're still young. Yeah, come, we'll have some tea. Yeah, diesel jeans पहन के जाएंगे डिस्को में, come on. हाँ, ले ये रख ले। ये मेरे लिए? तू कह रहा था ना, तेरे को मोबाइल का बहुत जरूरत है, रख लेना, इस पे मैं तेरे को फोन किया करूंगा। शुक्रिया। और हाँ, मुझे काम के लिए ले जाने वाले थे ना? वो तो ले जाऊंगा, एक बार दिल से तो बोल दे, तू तैयार है? मैं तो कब से तैयार हूँ, पैसों के लिए तो मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। अब तू मर्दों के माफिक बात कर रहा है। लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, मुझे करना क्या होगा? घबरा रहे हो? घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे को वहाँ कोई बम या गोली नहीं चलाना होगा। ये हमारी लड़ाई मजहब के लिए है, हमारे कौम के सभी लोग दुनिया में सिर उठाकर जिए, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं जिहाद। तेरी माँ आ रही है, इसके बारे में किसी को मत बता, मैं दो दिन बाद हाँ। आऊंगा, तब तक ये बाइक अपने पास रख। ठीक है। इतने समय तक तू कहाँ था? वो आदमी कौन था? ये मोटरसाइकिल और फोन तेरे पास कहाँ से आए? एक साथ इतने सवाल मत करो, सांस अटक जाती है। सांस तो अटकती है मेरी जब तेरे को देखती हूँ। और अभी जो तेरे को यहाँ पर छोड़कर गया वो कालीकट वाला जमाल था ना? हाँ, तो क्या हुआ? वो वहाँ उतनी दूर से यहाँ ऊटी तेरे को मिलने क्यों आया था? यहाँ उसे कोई काम रहा होगा। कालीकट और फारूख में पिछले दिनों जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, जितनी भी आगजनी की घटना और बमकांड हुए, उन सब में उसका नाम था अखबार में, तूने देखा नहीं? कहीं उसके चक्कर में तू भी ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने कालीकट में तेरे मामा के पास से तेरे को वापस ऊटी बुलवाया। पर तू यहाँ भी मेरे को परेशान कर रहा है। कितनी बार कहा है ऐसे लोगों से दूर रहे, लेकिन मेरी बातों का तेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है क्या? तो ठीक है, नहीं निकलूंगा, इसी झोपड़े के अंदर पड़ा सड़ता रहूंगा, फिर मेरा खर्चा तुम उठाओगे ना? उसके लिए तेरे को ही मेहनत करनी होगी। पढ़ने लिखने का समय तो तूने आवारागर्दी करके निकाल दिया, और अब चाहता है कि तू रातों रात करोड़पति सेठ बन जाए। बाप मछली बेचने के लिए साथ चलने को बोलता था तो शर्म आती थी तुझे, है ना? हाँ आती है, तो क्या करूँ, वो काम मुझसे नहीं होगा। साइकिल पर बदबूदार मछलियों को लाद कर फुई फुई कौन करता फिरेगा? मछली बेचने से तेरी इज्जत चली जाएगी ना। जब तू छोटा सा था और तेरा बाप मछलियाँ बेच कर आता था तो उसके सीने से लिपटने के लिए तू कैसा तड़पता था। लेकिन वो बदबूदार मछलियाँ बेचना भी इज्जत का काम है। आज तक पुलिस वाला या कोई फौजी तेरे बाप को ढूंढते हुए इस घर के दरवाजे तक नहीं आया। तू आज जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो उस नालायक जमाल का बताया हुआ है। अपने शरीर पर मुफ्त के इत्र मलकर मस्जिद में रखे कुरान के 56 टुकड़े करके उन्हें तुम जैसे भटके लोगों के हाथों में थमाकर उस जैसे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस्लाम जैसे मजहब को बर्बाद करने वाले, शरीर पर इत्र मलकर चलने वाले इन लोगों से तो लाख दर्जे अच्छा तेरे बाप का वो बदबूदार शरीर है। ऐसा क्या किया है मैंने जो इतना सुना रही हो? बेटा, तुझे जनने वाली बस यही सुना रही है कि तेरा रास्ता सही नहीं है। अब भी मेरी बात समझ ले तू? हो गया, चिक चिक करती रहती है हर समय, ये कोई हल क्या निकालेगी, मैं ही यहाँ से निकल जाता हूँ। तू चलने वाले खा गए तुझे बेटा। ओम पापाय नमः, ओम धनपाय नमः। आज शहर की सभी गाड़ियों का सवारियों को नुकसान हुए बगैर एक्सीडेंट हो जाए और वो सभी यहाँ आ जाएं। सवारियों को कुछ हो गया तो मेरे पैसे कौन देगा? ओम नमः नमः। कैसा लगा? पासा सर, पासा। क्या हुआ जी? तुमने मेरे को चाटा क्यों मारा? कितनी बार बोला तेरे को इस फोटो को सीधा नहीं रखने का? कल वो पिछले 6 सालों से मैं तेरे चाटे खाता आ रहा हूँ। ये फोटो तेरे बापू की है ना, इसे उल्टा लटका कर काहे को रखता है? अरे पहले मैं इसे सीधा ही रखता था, तब लोग पूछते थे कि ये किसका फोटो है, कोई मेरा विश्वास नहीं करता था कि ये मेरे बापू का फोटो है, इसीलिए इसे मैंने उल्टा लटका दिया। अब सभी लोग कहते हैं ये तेरे बाप भरतनाथ का फोटो है ना। ये कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, जब गाड़ी रिपेयरिंग का काम यहाँ पर होता है तो लेट कर काम करने वालों को उल्टा ही दिखता है ना। समझ गया भाई। ये दुनिया ऐसी मेरे भाई, उल्टा देखो तो सीधा दिखती है। पेपर में पायलट की वैकेंसी निकली है क्या? हाँ निकली है ना। ए सूरज, पेपर क्या देख रहा है? पापा से बोल के अपनी पैरवी करवा ले। ये नहीं हो सकता, जब तक इसके पापा जिंदा है तब तक। मेरे पापा के बारे में कुछ कहा तो? अरे सूरज, अरे छोड़, क्या कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे?
तू एक पायलट है यार, तेरे को काम जरूर मिल जाएगा। और अगर काम नहीं भी मिला तो तेरे पापा ने तेरे लिए कमा के रख दिया है। रिश्वत या फिर बिना रिकमेंडेशन के कौन मुझे काम देने वाला है? सूरज, पायलट का कोर्स करने के बाद तेरा ये हाल है तो मेरा क्या होगा? मैं पढ़ा लिखा भले ही नहीं हूँ, पर एक दिन देख लेना, मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा। वो तो अभी मुझे देख रहा है, ये मोबाइल कहाँ से मिला? अरे समय आने दे, बता दूंगा। सूरज मुझे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना है, ड्रॉप कर दो ना। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना है? हाँ। तो ऑटो पकड़ के चली जाओ ना, मुझे दूसरा काम है। दूसरा काम है? बढ़ाया काम वाला, तू प्लेन नहीं उड़ाएगा तो सारी प्लेन खड़े रह जाएंगे। अब देख तो गुस्सा मत दिला मुझे, जल्दी से बाइक स्टार्ट कर और चल चल ना। ए सूरज भाई, तुझे नहीं जाना है तो मैं छोड़कर आता हूँ ना। मैं यहाँ का चीफ हूँ। तू चीफ नहीं, चीफ है। ये काम बहुत जिम्मेदारी का होता है ऐश्वर्या, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अपना मुंह देखा है बंदर? चीफ बेचारा कितना चीफ दिख रहा है। नीचे उतरो। सूरज, सूरज रो, सूरज रुक जा। क्या हुआ, क्या हो रहा है सब? ये सब चोरी करके भाग रहे थे, मैंने रोका तो मुझे पीटने लगे। इनमें से किसने आपको पीटा? इसने। इसने? हाँ। मारो इसे। क्या? आपके पास यूनिफॉर्म है, मारो इसे, मारो इसे, मारो। लगता है हीरो पहुंच गया है यहाँ, पुलिस वाले को बाद में देखेंगे, मारो इसे। तो झेल जाओ। बारिश होने वाली है, घर जाओ अपने। क्या हुआ सूरज? बारिश होने वाली है, घर जाओ। पापा के अलावा आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया, आज पहली बार किसी के सामने बोल नहीं पाया। कौन है रही है? वो महादेवन सर हैं, मिलिट्री ऑफिसर हैं। आज फिर किसी से झगड़ा करके आ रहे हो? जान सकता हूं इसकी वजह क्या है? कम हो गया हैं? वो सब तो ठीक है, मैंने सुना है कि जो आदमी तुम्हें अपराध करने से रोक रहा था तुम उसी पे बरस पड़े। मैं तो जानता ही नहीं वो कौन था। सब कुछ बताकर चुपचाप खड़ी हो, तुम्हें तो बाद में देख लूंगा। मेरे होने वाले वो हो तो मैंने सोचा अच्छी तरह से तुम्हें सुधार तो लूं। चल, मैं मानता हूँ कि तुमने जो किया सो ठीक किया, लेकिन जिसने तुम्हें जेल जाने से बचाया उनको जाकर के शुक्रिया तो करो। इसमें शुक्रिया करने की क्या जरूरत है, वो आखिर है कौन? तुम्हें अरे उसके ऊपर गुस्सा करके क्या होगा ऐश्वर्या? अगर मुझे ना भी बताती तो भी मुझे पता चल जाता तुमने किस लिए हाथ उठाया। आपको आपको लगता है कि वो लड़ाई मैंने शुरू की थी? पापा, जिस पुलिस वाले को वो पीट रहे थे वो आपकी उम्र का था। अरे मैं समझ सकता हूँ तुमने जो किया वो ठीक किया, लेकिन वहाँ और भी तो लोग थे, तुम्ही को हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? पापा आप ही ने तो मुझे सिखाया है, अगर गलत होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, और मैंने सिर्फ वही किया। ठीक है बहस मत करो, अब जाओ, जाके उससे माफी मांगो। चलो जाओ प्लीज।
अरे इससे शादी करके क्या करोगे तुम? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। पापा जैसा है अच्छा है। हाँ ये तो है। After all, he's my son. Proud of him. Come on. कहीं ये गुंडा मुझे पीटने के लिए तो नहीं आया है? हाँ? सर वो क्या है कि मैं वो पौधे उठा कर दो सर। वो पौधे उठा कर दो। ओ जी जानते हो सर हम आर्मी वालों ने यहाँ की जमीन पर करीब 4 करोड़ पौधे लगाए। ये गुंडागिरी जैसा बेकार का काम छोड़कर तुम कोई शरीफों वाला काम क्यों नहीं करते हो? सर प्लीज मैं कोई गुंडा नहीं हूँ सर। वहां तो मारपीट कर रहे थे। सर आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं। वैसा नहीं तो फिर कैसा? वहां मैं कोई गुंडागिरी नहीं कर रहा था सर, बस अपने पापा के बताए हुए सही रास्ते पर चलने वाला एक हाईली क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड यूथ हूं मैं। बट यू फॉरगॉट वन थिंग सर। पिछले करीब 40 सालों में इस देश को कई काबिल और महान व्यक्तित्व देने वाले वो महान शिक्षक कोई और नहीं तुम्हारे पिताजी हैं, श्री लोकनाथ शर्मा। तो क्या आप उन्हें जानते हैं सर? उस महान शख्सियत को यहाँ ऊटी में कौन नहीं जानता। अब तो लोग यहाँ तुम्हें भी जानने लगे हैं, पर एक गुंडे मवाली के रूप में। एक्चुअली सर मैं यहाँ पर आपको थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। थैंक्स? तुम्हारे पिताजी ने भेजा होगा तुम्हें। ये सच है सर, लेकिन आप वहाँ नहीं आते तो उस समय मैं कुछ गलत कर बैठता। सर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ वहाँ पर बहुत गलत बर्ताव किया। आई एम रियली सॉरी सर। हे इट्स ओके। तुम सड़कों पर छोटी छोटी बात पर मारपीट करते फिरते हो, उस इंसान को कितना दुख होता होगा। आई नो ही इज अ डिफरेंट पर्सन। हाँ मैं जानता हूँ सर, उनके आदर्शों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उन पर चलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर काम मैं गलत ही करता हूँ, लेकिन मेरे अच्छे काम भी उनके मन को कभी खुश नहीं कर पाते। हाँ, पिताजी से बहुत प्यार करते हो ना? I love my father so much. वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा को खुश देखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। I want to make him proud of me. तुम्हारे जैसा नौजवान अगर अपनी शक्ति और दिमाग को बेकार के कामों में वेस्ट न करके देश के हित में लगाए तो किसी को भी गर्व होगा, especially your father. Why don't you join the army? I am ready, sir. मैंने तो 2 बार कोशिश भी की थी। I never gotten. पर तुम्हारी ख्वाहिश तो पायलट बनने की है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। So if you're ready, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। Are you ready to join the army? Sir. Are you sure? Sir. Say it louder. Yes, sir. तुम्हें क्या, बाहर जाने से पहले टोकती क्यों? जो मैंने पूछा उसका जवाब दे। तू कहाँ जा रहा है बता? ये जानकर तू क्या कर लेगी? अब रास्ता छोड़ मुझे जाने दे। तक मुझे बताएगा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। इतने सालों में तुम लोगों ने मेरे लिए तो कमाकर कुछ जमा नहीं किया, अब मुझे तो अपने लिए कमाना होगा ना, या वो भी नहीं करने दोगी? इतना जो उछलकर कमाने की बात कर रहा है, कहीं पैसे का पेट देख लिया है क्या? हाँ देख लिया है ना। अब तक जो जिंदगी जीता आया हूँ अब नहीं जी सकता। 4 लोगों में उठने बैठने के लिए पैसे तो चाहिए होते ना, पैसे। और अब रजाक पैसे वाला बन के ही लौटेगा। मुझे बता तो दे तू कहाँ जा रहा है बेटा? या तू मुझे कभी चैन से जीने देगी भी या नहीं? तू जानना चाहती है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो सुन, जिहाद के लिए जा रहा हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? मेरे जैसे गरीब लड़कों को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अब इस्लाम के लिए कुछ करना ही होगा। हमारी ये लड़ाई मजहब के लिए, और हम इसे जीत के रहेंगे। बस हो गया दी, बहुत बोल चुका तू, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। इतने दिनों से देख रही हूँ तू बहुत बदल चुका है। जिस बात का मुझे शक था, आज तेरी बातें सुनने के बाद वो सब कुछ यकीन में बदल गया है। बच्चे के लिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार का नाम आगे बढ़ाए। हमने भी तुमसे इसी तरह की उम्मीद लगा रखी थी बेटा। सच्चा मुसलमान अपनी सच्चाई और हिम्मत के बल पर हमेशा अपने उसूलों का पालन करते हुए समाज को ऊंचा उठाता है। किसी भी तरह की मुश्किलें आए उन सबको सब्र के साथ सहता जाता है। गरीबी और बेचारगी से परेशान होकर वो कभी नहीं भटकता। एक सच्चा मुसलमान कभी किसी के बहकावे में आकर जिहाद के रास्ते पर नहीं चलेगा।
अगर सच बोला जाए तो इस तरह के लोग ही इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं। तुझे पैदा करने वाली माँ तुझसे कह रही है तेरा रास्ता जहन्नुम को जाता है। हाँ, मैं वहाँ जाने को भी तैयार हूँ, बस पैसे मिलने चाहिए मुझे। तू मुझे दे सकती है पैसे? नहीं दे सकती ना? नहीं दे सकती। तू जा बेटा, अब मैं तेरे को नहीं रोकूंगी। लेकिन जाने से पहले एक बार तू मेरे हाथ से निवाला खाता जा बेटा। मैं फिर कह रही हूं मत जा, तू मेरा राजा बेटा है, परिवार का नाम मिट्टी में मत मिला। बहुत हो गया। साल हो गए जिस दिन बाहर आया मेजर, खुदा बचाए आपको। 4 साल से तुम लोगों को खिला रहा हूं। उमर से कांटेक्ट हुआ? नहीं। मुझे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? उमर से कांटेक्ट होते ही मुझसे बात करवाओ। जाओ। ये बोल तो सही रहा है, वर्डिक्ट को पूरा करने में पूरी लाइफ निकल जाएगी। तो इस ऑफिसर का भेजा बहुत गर्म है। सही बोल रहा यार, पागल लगता है। Shut up, you mother! What's your name? कृष्णन। From where? केरल सर। केरल। God's own country? Yes sir। Here no God, only you and your rifle. Okay? Okay sir। Say it louder. Okay sir। All of you keep jumping।
एंड से आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई लव माई राइफल, आई लव माई राइफल, आई डोंट लव माई गर्लफ्रेंड, आई डोंट लव माई गर्लफ्रेंड, से इट लाउडली, आई लव माई कंट्री, आई लव माई, जंप जंप ऑन साइड, आई लव माई कंट्री, आई लव माई राइफल, आई डोंट लव माई गर्लफ्रेंड. कमिया, व्हाट्स योर नेम? सुना नहीं, मोटे पूछ रहा हूँ, तेरा नाम क्या है? किशोर सर. Do I look like a more to you? Yes sir. I love my country. No sir. Then wipe your smile. I don't love my country. No sir. I don't love my country. Get up. No. Wait. What is this, huh? you got a feeling. तू अपना playboy body सबको दिखाना चाहता है ना? हाँ? Don't laugh. All of you go and take the post. Run. Gentlemen, मेरा नाम कंपनी हवलदार मेजर शिवा है. आज से आप लोगों को ऑफिसर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है. इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोग वापस भी जा सकते हैं, फैसला आप लोगों का है. हम अभी पहुंचे हैं और ये हमें बाहर फेंकने की सोच रहे हैं. अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखता जा बच्चू. क्या नाम है? किशोर सर. रो क्यों रहे हो? सर, मुंह खोल कर बताओ, रो क्यों रहे हो? सर, आई डोंट लाइक समबडी अब्यूजिंग माय मदर. उसने मुझे बाकी गाली दी. वाइप योर टीयर्स. सर, या इस गेट के अंदर आने के बाद रिश्ते नाते सभी बाहर, जाति धर्म सब बाहर. एक ही फीलिंग होगी, आई एम एन इंडियन. बस यहाँ बहुत लोग तुम्हें गालियां देंगे, हंसी उड़ाएंगे. तो ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. कल दुश्मन की जमीन पर पकड़े जाने पर उनकी गालियां सुनने के बाद देश के नाम पर कोई समझौता मत करना. सो सेंटिमेंट्स आउट ऑफ द गेट. यस सर. लाउडर. यस सर. लाउडर. यस सर. दैट्स बेटर. नाउ ऑल ऑफ यू गेट ऑन द मोड. आउट. रन. यू बोथ. हाउ डेयर यू टॉक व्हेन आई वाज टॉकिंग? Sir, give me 50 push-ups. Sir, give me 50 push-ups now. Sir, that's better. मजा आया था ना? रश्मि, वहाँ देखो तो. Kitty, punishment मिली है. Don't talk to them. Otherwise, they will spoil your English. Come. Dachu, सुना वो क्या कह रही है? उनका डॉग अगर हमसे बात करेगा तो उसकी इंग्लिश भी खराब हो जाएगी. हाँ, सुना मैंने. बच्चू, लगता है यहाँ के डॉग्स भी इंग्लिश में बात किया करते हैं. अभी तो उस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं? किसी भी हालत में मसूर साहब चाहिए. वो जो दिख रहा है वही हमारा कैंप है. उस लड़की ने इस्लाम के खिलाफ कुछ किया होगा, बीमार पड़ने पर किसी डॉक्टर को दिखाया होगा. वो उम्र शायद आज उसे सजा देने वाला है. यहाँ कोई कोटिया पुलिस नहीं है क्या? यहाँ पुलिस और कोर्ट सब कुछ उम्र ही है. Oh,
इस्लाम और तालिबान पे जिसका कोई यकीन नहीं उसको जीने का कोई हक नहीं। शैतान पाड़ी पे ले जाके मार दो इसे। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये पता लगाना है कि मौलाना मसूद कौन से हिंदुस्तानी जेल में है। जी, ये पता लगा लिया, लेकिन खबर ये मिली है कि जिस जेल में उन्हें बंद किया है वहां से उन्हें निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। सर, मेरे हिंदुस्तानी में जो भी जिहादी है उनसे बात कर रहा हूं, कॉन्टैक्ट कराओ, जाओ। आपने तो कहा था हम इस्लाम को मजबूत करने के लिए जिहाद कर रहे हैं, पर ये तो ज्यादा सवाल मत कर तू मुझसे, जो कहा है वो करता जा, तेरे लिए अच्छा होगा। इस्लाम में पर ये कहां लिखा है कि डॉक्टर के पास जाने। वो बंद रख। अल्लाह के बंदे, आपको मेरा सलाम। यहाँ जो तालीम आपको दी जाएगी उससे आप इस दुनिया में तबाही फैलाओगे और एक ही इस्लाम रहेगा, यही तालीम। मैंने जिस जिहाद के बारे में पढ़ा है वो तबाही के लिए तो नहीं कहता। तूने जो पढ़ाई की है वो इधर मत सुना, ये जो सुना रहे हैं वो सुन और अपने पैसों के बारे में सोच। अब मुझे लग रहा है कि माँ ने जो कहा था वो सच है। खत्म कर देगा। जमाल भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे। अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता है? अल्लाह के बंदे, कुछ कहा आपने? कुछ नहीं साहब। तो ठीक है, कल से ट्रेनिंग शुरू। आओ हम सब अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिले। हमारी दुआ कबूल कर। अल जिहाद, अल जिहाद। सुना नहीं मैंने? अल जिहाद, अल जिहाद। खुदा हाफिज। Don't touch with hand. Use a spoon. Thao. ऐसे खाने का क्या फायदा जिसे मैं खा ही नहीं सकता हूँ? बच्चू, अपना वॉल्यूम कम कर, आवाज उस डॉन तक पहुंच जाएगी जो खड़ा होकर हमारे छुरी और कांटे देख रहा था। अरे ये भी कोई बात हुई, किसी ना किसी को तो कंप्लेंट करनी होगी। पनिशमेंट ले भी सोच ले। What's going on there? जय हिंद सर। Nothing sir। सर, वो क्या है? जय हिंद सर। What? यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें मालूम नहीं है सर, और इसी वजह से हम ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे। बहुत परेशानी हो रही है सर। What's your name? सूरज सर। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले तुम्हारी भूख से निपटते हैं। सिट डाउन सर। सिट डाउन। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। डाउन। स्टार्ट योर फ्रॉग जंप नाउ। स्टार्ट। बच्चों, जब भी हमें पनिशमेंट मिलती है इन्हें कैसे पता चल जाता है? क्या है, क्या चाहिए? तुम्हारी हालत देखकर। चलो जा यहाँ से। बच्चों तो शांत हो जा, मैं इनसे निपटता हूँ, तू बस देखता जा। एक्चुअली लेडीज, सीओ साहब हमसे बहुत इंप्रेस है, इसलिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ? इन्हें देखने के बाद किसी सिनेमा की तरह मुझ में भी रोमांस जाग उठा। लगाओ भाई, क्या चलो खुद अपना शुरू करो, और कुछ पूछना है क्या? गेट अप। हु इज सूरज? इट्स मी सर। क्या तुम श्री लोकनाथ शर्मा के बेटे हो? यस सर। एक बात पूछ सकता हूँ, आप उन्हें कैसे जानते हैं? मेरा छोटा भाई उनका स्टूडेंट रह चुका है, उसने मुझे बताया। तुम्हें खाने में परेशानी हो रही है ना? शुरू में तो ऐसा होता ही है,
डोंट वरी, आई विल सेंड सम फूड. ओके सर, थैंक यू सर. सिट डाउन एंड कंटिन्यू योर पनिशमेंट. यस सर. जब उसने पापा का नाम लिया तो लगा पनिशमेंट खत्म हो जाएगी. मेरा नाम कृष्णन है. एकेडमी में हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं. ओह करेक्ट, अब आपको पहचाना. क्योंकि जब भी आपको देखा है या तो आप सिर के बल होते हैं या फिर फ्रॉग बने हुए होते हैं. पहली बार इंसानों की तरह दिख रहे हैं आज. वो तो है. एनीवेज, नाइस टू मीट यू ऑल. आई एम रश्मि एंड दिस इज माय फ्रेंड सुधा. नाइस टू मीट यू. पहली बार एकेडमी के बाहर आए हैं. कैन वी गो टू अ गुड रेस्टोरेंट? या व्हाई नॉट, कम. बच्चों टाई उतार ले, इंस्ट्रक्टर ने देख लिया तो बैंड बजा देगा.
जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। सूर्या और कृष्णा क्लब गए साहब, और वो तो अब लेट आएंगे। आप अपनी कैबिन में जाइए। यस सर। जय हिंद साहब। भाग के जाओ अपनी कैबिन में। यस सर। गेट बंद करो, कोई किसी अंदर नहीं आएगा अभी। अरे बाप रे। गॉड। कोई नहीं है, चल। देखा तो नहीं। हाँ ठीक है। Stop there. एकेडमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक करके दोनों जीसीज ने दीवार कूदकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। 7 रेस्ट्रिक्शंस। आप सूरज साहब बजरी ऑर्डर में रिपोर्ट कीजिए। जाइए अब आप। Go now. Yes sir. बादल तो हटा रोशन हो जहां ये लो ऐसी जला भोर छुपी है कहीं बादल तो हटा रोशन हो जहां ये लो ऐसी जला रास्ता पुकारे हिम्मत न हारे चाहत हो ना कम चलते मैं लीव पर जा रहा हूं और तुम्हारे पासिंग ऑर्डर तक नहीं लौटूंगा पर जब लौट कर आऊंगा आई वांट टू सी यू द बेस्ट सी वेयर एवर यू आर आई किल यू यू अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड दैट सो गेट अप नाउ गेट अप आउट आउट क्या बात है खाना अच्छा नहीं लगा चल मैं खिलाता हूँ चल ना चाहता हूँ तुझे चल अच्छा चल अरे चल ना चल चल शर्म नहीं आती तुझे मेरे गिरफ्तार क्यों सुनो सुनो पहले इस्लाम का नाम बदनाम है ऊपर से तेरा ये बदमाश चलो चलो यहाँ से आपने मुझसे झूठ बोला ना मुझे धोखा दे कला अब तुम जो भी कह लो ये सब मैंने मजबूरी की वजह से किया खुदा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा जानता हूँ मैं सिर्फ तेरी ही बद्दुआ नहीं जीऊंगा और भी कई लोगों के साथ मैंने ऐसी ही धोखेबाजी की है उस दिन माँ की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता अब्बू की मौत के बाद अपनी 4 बहनों की शादी करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत आ पड़ी थी जानते हुए भी कि ये सारा कुछ इस्लाम के खिलाफ है मैंने मजबूरी में ये रास्ता अपनाया जमाल भाई मुझे किसी तरह यहां से भगा कर ले चलो नहीं अगर मैं अकेला गया तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन तेरे को साथ ले गया तो वो तेरे को ढूंढ कर मार डालेंगे तू कुछ दिन और रुक जा जल्दी ही वो लोग तेरे को कश्मीर भेज देंगे
वहां से तो भाग सकता है तू। मेरी माँ से मिलेंगे ना? मिलना जरूरी है। डरने दीजिए, मत मिलिएगा। मुझे तुम माफ कर देना मेरे भाई, ये काम अब मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। जय हिंद साहब। जय हिंद शिवा, हाउ आर यू? फाइन साहब। हे रिलैक्स मैन, अब ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो और नॉर्मल शिवा की तरह बिहेव करो। विद योर परमिशन सर। यस शिवा। यू नो सर, आपके वहां से जाने के बाद कभी वहां किसी ऑफिसर के इतना करीब नहीं हो पाया। गुड, तुम्हारी कमी यहां मुझे भी बहुत अखरती है। कम ऑन सर, सूरज पर इतनी सख्तियां बंद कर दीजिए सर। सूरज को मैंने एकदम रफ एंड टफ बना दिया है। आने से पहले उसकी जिम्मेदारी शमीम खान को सौंप कर आया हूं सर। वो बहुत कड़क ऑफिसर है सर। मैं उससे भी तुम्हारी तरह एक दोस्त बनाना चाहता हूं। उनके पिताजी श्री लोकनाथ शर्मा, जो यहां पर जाने माने शिक्षक हैं, सभी लोग उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं। He was worried about his son. मैं चाहता हूं कि जब वो उससे मिले, he should be proud of his son. अच्छी विल पावर है उसकी। Like you? No, sir. Okay, how is your wife Anita and how is your son Arjun? वो दोनों ठीक है सर। यही सवाल पूछने का मौका आप मुझे कब देंगे सर? देखते हैं। सर, चीता में आग लगाने के लिए कोई तो अपना होना चाहिए ना सर? उसके लिए तुम जो हो। नहीं सर, ये सामान मुझे नहीं मिलने वाला। आपकी लंबी उम्र के लिए देश के सभी लोग दुआएं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम एक साथ दोबारा ऑपरेशन के लिए कब जा रहे हैं? एनी टाइम सर, यू कॉल मी बैक, आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू सर, ऑलवेज। ओके। और वो कर्नल तिलक कैसे? सर, तिलक साहब रिटायर होने के बाद अब नर्सिंग स्कूल चला रहे हैं। Oh my God, वो नहीं बदलेंगे। हेलो। हेलो सर। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? गुड सर, वेरी गुड सर। पासिंग आउट होने ही वाली है। हाँ, मुझे पता चला। आर यू डूइंग गुड? यस सर। सुनो, मैं 5 दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने ऊटी जा रहा हूँ। Oh, really, sir? मैं आज तक तुम्हारे पापा से नहीं मिला, सो प्लीज इन्फॉर्म हिम। मैं उन्हें अभी फोन कर देता हूँ। ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू। अपने पापा के लिए कुछ भेजना है? सर, इफ यू डोंट माइंड, पापा को चाय पीने का बहुत शौक है। अब मैं तो वहाँ पर हूँ नहीं और वो बाहर जा नहीं पाते होंगे तो। ओके, डोंट वरी। और कुछ भेजना है? नो सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड सर, माई लव टू हिम सर। ओके, टेक केयर एंड डू वेल। ओके, राइट सर, गुड बाय। सलाम वालेकुम मौलाना साहब। कैसा है? कितना दिन और यहाँ सड़ना है? प्लेन हाईजैक करवा रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार। आप मुझ पे भरोसा कीजिए, बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, बस थोड़ा वक्त और। इंशाल्लाह आप अगली ईद हमारे साथ मनाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे बीवी। हाँ बोलिए ना, सुन रही हूँ। ये देखिए, कपड़े पहन लिए हमने आपके चॉइस के। हमारी चॉइस बेस्ट चॉइस। और मैं आपकी चॉइस नहीं हूँ? हमेशा आपकी डांट सुननी पड़ती है। सूर्या की ट्रेनिंग खत्म हो रही है, बस अब वो जल्दी घर लौट रहा होगा। कल ही उससे बात हुई, खुश था। हे भगवान। अरे बीवी जरा देखिए कौन है। जी। अरे कौन है भाई? जी, लोकनाथ शर्मा जी। हाँ, मेजर महादेवन। गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, आप मुझे माही बुला सकते हैं। आई आई माही, अच्छा नाम है। महादेवन को काट करके छोटा कर दिया माही।
ये आर्मी वाले जो है ना, ये नाम को छोटा करने में काफी माहिर होते हैं। पद्मनाभन को पैडी, माधवन को मैडी। अच्छा, अगर मैं आर्मी में होता तो मेरा नाम क्या होता? लोकनाथ शर्मा। लौकी ना बड़े मलयालते पर गया चुरा का। यू स्पीक मलयालम सर? हाँ, मलयालम आर्यम। शादी किया ना मलयाली के साथ, तो बोलना पड़ता है। ज्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। ज्यादा बोलता हूँ तो हंसती है मुझ पर वो। आइए बैठिए। सर आप तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है सर। खुश मिजाज? खुश मिजाज नहीं होते तो जीवन अकेले कैसे काटते हैं? मस्त रहो, खुश रहो। अकेले? मगर आप तो किसी से बात कर रहे थे। बात? ओ हाँ, तो सुन लिया आपने मेरे पागलपन को। ये है मेरा पागलपन। इनसे मैं अपनी सारी बातें कर लेता हूं। झगड़ा होता है, विरोध होता है, विवाद होता है, और ये मुझे जवाब भी देती है। आप इसे मेरा पागलपन समझ सकते हैं मेजर साहब, लेकिन इसी पागलपन की वजह से आज मैं अकेला नहीं हूं। देखिए मेजर साहब, जिंदगी में देखिए, लोग जब चले जाते हैं तभी उनकी कदर होती है इस दुनिया में, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। चलिए, आप नहीं समझेंगे इसे। मैं अच्छी तरह समझता हूँ। नहीं, आप नहीं समझेंगे। यस सर, इवन आई हैव लॉस्ट माय वाइफ एंड डॉटर। आई एम सो सॉरी ऑफिसर। तब तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच आई मिस माय वाइफ एंड हाउ मच सूर्या मिसेस हिज मदर। नो सर, सूर्या डज नॉट मिस सर। आपको कैसे मालूम? सूर्या ने सिर्फ आपकी ही बातें की हैं, उसने अपनी मां के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। उसकी बातों से मुझे लगा उसकी मां की कमी कभी आपने महसूस नहीं होने दी। मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि सूर्या जो है वो अपनी मां को कभी मिस ना करे। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, और मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। मैं आपके लिए चाय की पत्ती लाया हूँ। ओह, ये भी सूर्या ने आपको बताया होगा। सर बैठिए। जी गुड टी। सर मे आई हेल्प यू? नहीं 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 नहीं, मैं चाय खुद ही बना लूंगा। पसंद है मुझे चाय बनाना। सूर्या जब यहां होता था तो वो मेरे लिए चाय लाता था। He's a good boy, सूर्या, you know? जीवन में उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। मैंने उसे कभी शाबाशी नहीं दी। I don't know why. I hope he becomes a good officer. He shall be a good officer, sir. Yeah. आप पासिंग आउट के लिए नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं सुमंगली को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता हूँ। Let him come, let सूर्य come, फिर मैं उसे सैल्यूट करूँगा। ओके ओके सर। कैसे लगी? बहुत दिनों के बाद अच्छी चाय पी है। आप वाकई अच्छी चाय बनाते हैं सर। चलो अच्छा है आपको पसंद आई। उन्हें भी हमारी चाय बहुत पसंद थी। हमेशा जिद करती थी कि जब तक मैं चाय ना बनाऊं वो पियेंगी नहीं। आपसे मिलके मुझे अपनापन महसूस हुआ। मुझे भी। जिस दिन सूर्या के साथ मुलाकात हुई और आपके बारे में सुना, I wanted to meet you, sir. I don't remember my father. Sir, you
Even after losing your wife, you lived for your son. You brought him up. A good human being for the society. I wish I had a father like you, sir. Hey, army man, getting emotional. Army wale bhi insaan hote hain, sir. Hamare andar bhi ek dil hai. Okay, let me go now, sir. Thank you. Thank you so much for coming, Major. Surya ko hi boliye. Sure, sir. After training, as a special case, I'll try to put Surya into my unit so that we can work together. Bye, sir. God bless. Mai. Sir? Don't ever miss your father. Sir? Thank you, sir. इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, फिक्र न करो। लो आगे। सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। मौलाना मसूद को रिहा करने का प्लान मिल गया। तुम नए रिक्रूट की ट्रेनिंग कश्मीर में शुरू कर दो, हम उनके साथ हिंदुस्तान जाएंगे। जी हजूर, पर प्लान क्या है? हिंदुस्तान में एक प्लेन हाईजैक होगा मुंबई या दिल्ली से, और उसे हम कांधार ले आएंगे, और फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ मौलाना मसूद का सौदा करेंगे। 1,500 करोड़ का प्लेन, 500 जाने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। मिट्टी को जो लगी प्यास तो सागर बन के बादल बना, तू चाह ले मन मांग ले तेरे लिए है ये जहां। मिट्टी को जो लगी प्यास तो सागर बन के बादल बना, तू चाह ले मन मांग ले तेरे लिए है ये जहां। चारों दिशा रे तुझको निहारे ऐसी हो लगन, चलते जा रे चलते जा रहे मंजिल तुम्हारे, चूमेगी कदम। तू कौन है पहचान ले है कौन तू खुद को बता, रोक सके तुझको ढके है रात की औकात क्या। तू कौन है पहचान ले है कौन तू खुद को बता, रोक सके तुझको ढके है रात की औकात क्या। होगी सुबह रे ऐसी सुबह रे देखेगा गगन, हो चलते जा रे protect my country, even at the cost of my life. Jai Hind. Okay, boys. अब से तुम लोगों के टीम कमांडर कैप्टन सूरज होंगे। सर। These are your boys. जब तक तुम एनएसजी में रहोगे ये तुम्हारे साथ रहेंगे।
इन सब की ट्रेनिंग और सुरक्षा सभी टीम कमांडर की जिम्मेदारी होगी। सर। सो बी विद देम नाउ ऑनवर्ड्स। राइट सर। अ वेरी वेल केप्ट रूम। अच्छी ट्रेनिंग मिली है तुम सबको। जाहिन। कम ऑन बॉयज, अब तुम लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो। ओके, व्हाट्स योर नेम? साहब जी, नाम से क्या होता है, काम से मतलब है। इसने सही कहा, और सिर्फ रैंक होने का मतलब थोड़े नहीं है कि तुम हमारे कमांडर के लायक हो, तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। ओके, प्रूव करूंगा। कहाँ करूं और कब करूं? ऑब्स्टेकल कोर्स, मॉर्निंग 6 बजे साहब। Thank you. I'm Ratan sir. Thank you. Who is on alert? My team is on alert, sir. Get out of the airport. You've got to move to Kashmir. Done, sir. We'll be out of the gate in 20 minutes. Get moving. Okay, sir. Alpha team, over. Alpha team, carry on. Okay, boys. Holidays are over. We are moving to Kashmir for a picnic. Okay? Yes, sir. Move. Okay, boys. Yes, sir. We are going to do a chakravyuh operation. हम उन्हें घेर कर टारगेट एरिया के अंदर ले आएंगे, फिर उन पर फायर करेंगे। We will not waste a single bullet. Boys, report position. Charlie 1, Armored Link across here. Total 7. Cross Tango to location. Target cross pimple coming to us, killing area. Coming to us, killing area. Good. Now we block that route and wait. Killing area, observation clear. Meters to target. Now you block that route and wait. Scout in position, sir. Coming towards killing area. Okay, I can see. 10 meters to killing area, sir. Let them come. All on position. Waiting for your orders. Attack!
Sir, I know him. He's my friend, sir. In the line of control, there is no friend, man. Whoever crosses the line, they are our enemies. Come on. Right, sir. अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है, सब ठीक? आप कैसे? ठीक हूं। बहुत तकलीफ दी होगी ना, इन से 10 गुना ज्यादा तकलीफ देंगे। अल्लाह की दुआ से एयर इंडिया के प्लेन के हाईजैक का बंदोबस्त हो चुका है। खुदा ने चाहा तो अब ज्यादा देर यहां नहीं रहेंगे। हथियार केटरिंग में हमारा लड़का है, 4 साल से उसे पाल रहे हैं। हथियार तो क्या बम कहेंगे तो वो भी रख देगा। उमर सब खैरियत है, आपसे तभी मिलेगा जब आपको छुड़वा लेगा, ये उसने कसम खाई है। प्लान कामयाब ही नहीं हुआ तो क्रैश कर दूंगा। जन्नत तो नसीब होगी, ईद साथ मनाएंगे, वरना अल्लाह के दरबार में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। मौलाना आप यहां कैसे? आपको अभी तक खबर नहीं मिली क्या? कैसी खबर? अपना रजाक वो और उसके कई साथियों ने भारत के बाहर जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और फिर उन्होंने कश्मीर में घुसपैठ भी की। आर्मी ने उन सभी को मार दिया। अगर आप उसकी बॉडी यहाँ मंगवाना चाहती हैं तो इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे। क्यों? आप उसके शरीर को यहाँ क्यों मंगवाना चाहते हैं? रज़ाक आपका इकलौता बेटा था ना, उसके शरीर को यहाँ मंगवाना ही होगा। मौलाना अगर अपने शरीर का जिगर सड़ जाता है तो उसे निकाल फेंकते हैं ना, फिर उस शरीर की क्या जरूरत जो समाज के काम का नहीं। जिस दिन जिहाद के नाम पर वो अपना ये घर छोड़कर निकला था वो उसी दिन मर गया था। मैंने जब आखिरी निवाला उसके मुंह में डाला था, आखिरी आंसू बहाए थे, उससे पहले ही मर चुका था वो। अब और कुछ कहने को बाकी है क्या? कैलिकट में तो सब ठीक ही होगा। आप लोग रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। Good evening. Good evening, this is your sir. Last flight, huh? Yes, sir. Okay. See you at the party. Sure, sir. So, after landing at Delhi, we are going for partying. In fact, I'm feeling very bad to leave you all. What to do? I have no choice. It's part of life. Yeah.
didn't see you in the last party. Everything is perfect. तुम टेंशन में क्यों हो? मुझे डर लग रहा है. डर क्यों रही हो? ये मेरी पहली फ्लाइट है ना. मैं तुम्हारे साथ हूँ ना. आपकी वजह से ही मम्मी ने मुझे आने दिया. हाँ हाँ. नहीं तो वो मुझे कभी नहीं आने देती. I love you so much. Relax. अब तुम फ्लाइट एंजॉय करो. हाँ? Hey, what is this? क्या है? What happened? Be seated. Sir, please, okay. Please, sir. It's okay, please. Man. It's okay. चलो. Are you okay? चलो चलो. Checklist starting engine number 1. Excuse me, sir. Have a seat. से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया विमान AI-166 को अज्ञात हाईजैकर्स ने अगवा कर लिया है. मुंबई से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया विमान IC-166 का अज्ञात आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है. उस विमान में संगम स्कूल के कुछ छात्र भी हैं. अपहरणकर्ताओं ने क्या मांग रखी है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई. दिस एयरक्राफ्ट इज अंडर आवर कंट्रोल. डू नॉट वरी. नो वन विल बी हार्म्ड. We expect your full cooperation. Ismail, Kazi, इन सब पे नजर रखो. कोई भी हिला उड़ा दो. तुम अंदर आओ. Tell me, सर यहाँ पर. No, it's here. Huh? Okay. Kandahar mic. Come online, over. Mic online, sir. Over. Air India flight has been hijacked. You'll have to move immediately to the airbase. We'll be organizing a flight for you to take off. Sir? Get moving. Okay, sir. Roger, sir. Detail orders will follow. Get moving. Sir? Out. Get the flight ready for us, sir. We are moving to the airport. Thank you, sir. Okay, boys. Enough of jungle. We are going for a flight. Yes, sir. Yes, sir. मैडम इनको पानी तो दीजिए. हे स्टॉप. बट आई एम गिविंग वाटर. कम बैक. ही इज नॉट वेल. कम बैक. आई सेड यू कम बैक. कम बैक. व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार. हे पानी तो पीने दे उसे. यू सिट. हे गो टू योर सीट. गो टू योर सीट. इससे भी बड़ा गन मेरे घर पर है. बस वक्त नहीं है. समझे जी. आई थिंक वी आर रनिंग लो ऑन फ्यूल. Hey, relax. We have to land in Delhi for refueling. I can't do it. Please try to understand. Hey, उठो. Hey. Hey, उठो. चलो हमारे साथ. चलो. चलो. यार. चलो. नीचे. I see 166 cockpit. Your permission to land for refilling granted. Delhi Airport runway 1 Bravo clear. अपहरणकर्ताओं ने विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरवाया है. समझा जाता है कि ईंधन भरने के लिए विमान को उतारा गया है. नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया. एयर इंडिया के पायलट ने अपहरणकर्ताओं को विमान उतारने के लिए राजी किया. Hello.
Sir, anything positive? No. Sir, please, any positive news, sir? No. सब फ्यूलिंग पूरी होने वाली है, उससे पहले ही कोई डिसीजन लेना होगा, जल्दी करना होगा सर। माही, डोंट बी स्टूपिड। सर, जब भी मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो आप मुझे इसी तरीके से स्टूपिड कहते हैं। थोड़ी ही देर में वो प्लेन को लेकर यहां से उड़ जाने वाले हैं और साथ में पैसेंजर्स को भी। सर, अगर हमें अपने देश में परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर कहां मिलेगी सर? शांत हो जाओ यार। सर, कम ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी गो इनसाइड। लेट्स गो सर, द बॉयज आर रेडी, यू गो बैक देयर। सर, ऑल माय बॉयज आर रेडी सर, प्लीज। माही, सरकार विचार कर रही है कि मौलाना मसूद को अभी छोड़ना है या नहीं। सर, उसे छोड़ना है तो फिर हमें उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ क्यों बुलाया गया? माही, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा एक भी कदम गलत हुआ तो जानते हो उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। पैसेंजर्स में स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी हैं। इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सर, हमारे देश का हर नागरिक सोचता है कि हम देश को आतंकवादियों के चंगुल से कैसे मुक्त कराएं। ये हमारे देश के सम्मान का सवाल है सर। मैं किसी भी कीमत पर उससे ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। माही, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन गवर्नमेंट को डिसाइड तो करने दो। सर, अगर हम बैठ के नतीजे के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हमारी स्टोपी यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? सॉरी सर, आई एम गोइंग, कम ऑन बॉय। माही प्लीज, माही रुको। yes, माही, माही, कोई कमांड एक्शन नहीं होगी एंड दैट्स नॉट। थैंक यू सर। माही, सर अगर मैं जिंदा लौटा तो कोर्ट मार्शल के लिए तैयार रहूंगा, लौट कर मिलता हूं। जय हिंद सर। कोर्ट मार्शल हम दोनों का होगा, अकेले मेरा नहीं सर, याद रखिएगा। आदमी कभी नहीं बदलेगा। कमांड फास्ट। सर, कमांड लाइन। सर, ओके। गवर्नमेंट डिसाइड्स नो कमांडो एक्शन। नो कमांडो एक्शन सर। परेशानी सर, मुझे इसके ऊपर हंसी आ रही है। What happened to him? सर, बचपन से ये डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता रहा है और आज भी अपने बैग में स्टेथोस्कोप लेकर घूमता है। hey, इतने सीरियस और इतने रिस्की ऑपरेशन के दौरान भी तुम माहौल को हल्का बनाने में लगे हुए हो। आई रियली अप्रिशिएट इट। सर, हम आपकी बात कभी नहीं भूल सकते। yes, जिंदगी में सिर्फ एक ही सच है, मौत। उसे जब आना है आएगी, तो मरने से डरना क्यों? Don't wait for it. We are bound to die. Okay, come on. Get on to the job now. Yes, sir. तुम्हारे नाम से तो लगता है कि तुम मुसलमान हो। तुम मुसलमान नहीं हो सकते। फर्स्ट टाइम नमाज पढ़ने वाले असली मुसलमान मैं हूँ। तुम जैसे लोगों ने इस्लाम का नाम बदला। तुम जैसे लोगों ने इस्लाम का नाम बदला। क्या कर रहे हो तुम? अपने जगह पे गोली मारोगे? पीछे जा, मुझे गोली। पीछे जा, चल चलेगी। जा, बाइक
क्या हो गया तेरे को? किस किस से पंगा लेगा इधर? चल चल। तुम जैसे लोगों ने इस्लाम का नाम बदनाम किया, सुना तूने? तुम जैसे लोगों ने इस्लाम का नाम बदनाम किया, एक सच्चे मुसलमान की हाय है तुझ पर। अल्लाह तुझे कभी कामयाब नहीं करेगा। अल्लाह तुझे कभी कामयाब नहीं करेगा। चुप हो जाओ। चलो चलो उठो, चलो सब लोग पीछे को जाओ, चलो पीछे को जाओ, उठो। ये लाइट तो क्या हुआ? Hey, what happened? Nothing, sir. सर, या हमारा वायरलेस कॉकपिट के वायरलेस की फ्रीक्वेंसी के साथ सेट हो गया, चेक कीजिए सर. Yes. Thank you. Good job. Hey, fix the camera. Yes. Okay, sir. You to take this plane straight to Kandahar. Do not try to cheat me. ये plane को सीधे कांदहार ले चलो. जो मैं कह रहा हूँ वो करो. Air India 166. There is a gun on my head. This man is not understanding that I can't fly over Pakistan. So I'll be taking the route through Bombay. I want the entire air route to be cleared. I repeat, I want the entire air route to be cleared. Please do it. Please. ज़्यादा nonsense या नाटक नहीं चाहिए मेरे को. समझा क्या? मुंबई से ये plane नहीं जाएगा. ये प्लेन सीधे कांदहार जाएगा, सुना तुमने? I can't do it. I can't do it. Please try to understand. प्लेन को कांदहार ले जाओ अभी. I can't do it. तुमने सुना मैंने? There is an international repercussion. अभी कांदहार forces might be trying to understand. Try to understand. Please try to understand. सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं. अपहरणकर्ताओं की मांग को मानते हुए सरकार 3 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई है. ये सभी आतंकवादी देश में घटे कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं. NSG ने इनके एरिया कमांडर मौलाना मसूद को एक ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था. Okay boys, let's move. Listen, वो सिर्फ 5 नहीं है, कॉकपिट में भी एक है. So 6 targets. Naveen, you on the monitor, you on the listening watch. Come on. Sir. Okay, we should be careful. ध्यान रहे, निशाना खाली नहीं जाना चाहिए. एक भी गोली प्लेन को लगी तो खेल खत्म. Good luck, sir.
क्लियर सर, मूव। हेड डाउन, वी आर कमांडोस। Get him to the cockpit. Sir. मैं एक भारतीय हूं और इनकम टैक्स भरता हूं। तुम्हें एसी रूम में बिठाकर बिरयानी खिलाने और तुम्हारी सुरक्षा करने के बजाय तुम्हें 3 गोलियां खिलाना बेहतर समझता हूं। दैट इज मेजर महादेवन जस्टिस। Thank God you came. You're in safe hands. Okay? Now we'll fly back to Delhi. Hi, Captain. Hello. I am Major Mahadev, NSG nice Commander. Nice to meet you, sir. Thank you so much. Thank you. You're all safe. My okay? passengers. My passengers. I just briefed the passengers out there. Major Mahadevan की अगुवाई में NSG Commandos ने एक अत्यंत ही साहसिक कारनामे में अपहृत विमान को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए वो दिल्ली में किसी तरह से विमान के अंदर प्रवेश पाने में सफल हो गए थे। अपहरणकर्ता कुख्यात आतंकवादी मौलाना मसूद की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिसे मेजर महादेवन ने कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान बंदी बनाया था। साहसिक कदम उठाते हुए मेजर महादेवन की अगुवाई में कुछ एनएसजी कमांडो ईंधन भरने। शांत हो जाइए। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमारे बहादुर कमांडोज ने सारे हाईजैकर्स को बंदी बना दिया है। अब सारे पैसेंजर्स मुक्त हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सारे पैसेंजर्स सही सलामत हैं। ओके, आई एम मेजर महादेवन फ्रॉम द कमांडोज। वी आर सेफ and we are flying back to our motherland. Okay, relax and enjoy the flight. Okay? कर्नल दत्ता बहुत खुश होंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया। What man? Go back to your seat. We are flying back to our country. तुम लोग नहीं जीतोगे, मेरा अल्लाह ही जीतेगा। Hey! Get inside. Hold the flight control. Hold the flight control. Okay. Hold it, okay. Sir. Okay. I got it. Hold the flight control. Flight level 36,000.
1000 feet. Okay, okay. But how will I do it, sir? That one. That one. You said you are a pilot. Damn it. Yes, sir. Vishal se ichha thi main plane fly karu. I think everything is all right, sir. Yes, yes. You're doing good. Now what, sir? Call for daily control. Ask for descent of 10,000. Sir, that button. Okay. Yes, sir. Which one? First one, sir. First one. Calling Delhi control room. Calling Delhi control room. Delhi ATC. Delhi ATC. Give permission for emergency landing. Now what? Now you ask them for emergency landing clearance. Delhi ATC. Give permission for emergency landing. Identify your flight. I repeat, identify your flight. Damn it! It's a hijacked flight. I have to get the lights on. Yeah, which yeah. one? Which one? Those two buttons, yeah, over there. Yes. We are approaching Delhi. I can see the lights. Yes, yes. You're doing good. Get the gear down. Landing gear. Get the gear down. Sir, it's not going. Sir, it's not going. Sir, bring it down. Landing gear is stuck, sir. Some lights are blinking, sir. We have to make it belly landing. My God, we are approaching the runway. Sir, sir, we are approaching the runway. Turn right, Hiddens. Right, sir. We are flying over the grass. सूरज, हमने कर दिखाया। सूरज, okay, I'm trying. Hey! Oh, nurse, get me the cotton immediately.
जल्दी रिलैक्स, जल्दी कुछ कीजिए, रिलैक्स, जल्दी कुछ कीजिए, इसे गोलियां लगी, डॉक्टर आई वांट हिम अलाइव, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, जल्दी कुछ कीजिए, पल्स इज गोइंग डाउन, सूरज, आई एम सॉरी सर, ही इज गॉन, माय गॉड, माय गॉड, सूरज क्यों? Damn it! मैं तुम्हारे डैड से क्या कहूंगा? Damn it!
आपको वापस जाना होगा सर। सर सूर्या के कुछ पर्सनल चीजें हैं और ये राष्ट्रीय ध्वज। बचपन में इंडिपेंडेंस डे पे जिद करता था, मुझे झंडा चाहिए, मुझे झंडा खरीद कर दो। आज इतना बड़ा झंडा खरीद कर नहीं, कमा कर दिया अपने बाप को। सर एक फौजी जब तक जिंदा है उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। हो सकता है मौत के बाद देश के हाथों सम्मान भी उसके भाग्य में ना लिखा हो, पर जब एक जवान शहीद होता है जो सूरज की तरह देश के लिए कुर्बान हो जाता है तो वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है और अपने जैसे दूसरे जवानों के हौसले को हमेशा बुलंद करता रहता है। आपने अपने बेटे को खो दिया है, नहीं जानता इस समय कैसे सांत्वना दूं। मैं जानता हूं जिस बेटे को आप इतना प्यार करते थे वो अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। आपकी ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज यू डोंट हैव टू से यू आर सॉरी। नो यू नो कि मेरा बेटा कुछ नहीं था, आप उसे यहां से ले गए और देश का हीरो बनाकर वापस लाए। मैं तो हमेशा चाहता था कि लोग मुझे सूर्य के पिता के नाम से जाने। मेरे बेटे ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। उसने अपने पिता के लिए पुत्र का धर्म निभाया है। कमबख्त अपनी जान देकर सर आप अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ब्रिंग इट आउट सर, ब्रिंग इट आउट। नहीं नहीं मेजर, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की कुर्बानी को अपने आंसुओं से अपमानित नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ग्रेस हिम विद माई टीयर्स। मैं संभाल लूंगा अपने आप को, लेकिन उसकी मां को कैसे बताऊं कि उसका बेटा अब नहीं रहा। उनको कभी मत बताइएगा सर। बताना तो पड़ेगा मिर्ज, उसे बताना पड़ेगा। नहीं सर, कभी मत बताइएगा। याद है आपने एक दिन मुझसे कहा था नॉट टू मिस माय फादर, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका बेटा जिंदा नहीं है। कभी सोचिएगा मत, आपका ये बेटा जिंदा है सर। ए जननी तेरे चरणों में न्योछावर ये प्राण है।
एक बात पूछनी थी मई. When he died, was there any fear on his face? No, sir. You can be proud of your son. We are all proud of you, sir. Jai Hind. And I am proud of you, my son. Jai Hind. तुझसे ही अस्तित्व हमारा, तू अपना अभिमान है. अजननी तेरे चरणों में न्योछावर ये प्राण है. तुझसे ही अस्तित्व हमारा, तू अपना अभिमान है. अजननी तेरे चरणों में न्योछावर ये प्राण है. नमन है, नमन है, नमन है. मातृभूमि तुझको नमन है. नमन है, नमन है, नमन है. मातृभूमि तुझको नमन है. कुछ पाया कितना देश को है लौटाया. कितना स्वयं के लिए जिए हम और कितना कर्तव्य निभाया. हमने देश से सब कुछ पाया कितना देश को है लौटाया. कितना स्वयं के लिए जिए हम और कितना कर्तव्य निभाया. देश को जो काम आ जाए वो भाग्यशाली संतान है. देशवासियों थमी नहीं. अक्षुण हो सीमा